फाइनल गाइस आ चुका हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं आपको 200 प्लस प्रीशर्ट देने वाला हूँ, वो भी लाइट रूम के, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें 100 प्लस प्रीशर्ट दिए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं 200 प्लस प्रीशर्ट देने वाला हूँ, वो भी एकदम जेन्युइन होने वाले हैं। यदि आप फोटो पर उसे यूज करते हो तो आपका फोटो नॉर्मल फोटो से एकदम प्रोफेशनल फोटो में चेंज हो जाएगा गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको रन कैसे करना है, एक्सेट कैसे करना है, पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा। 4 से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, वीडियो के अंदर एक पासवर्ड मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको पासवर्ड मिल जाएगा, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को देखना गाइस। जब का टाइम वेस्ट नहीं करते तो गाइस चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फाइल मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से जाना, टेक्निकल रेंचो के नाम से टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी और पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस मैं अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आपको अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना है, आ जाने में मतलब लाइट रूम ओपन कर लेना, ठीक है। लाइट रूम ओपन करने से पहले मैं आपका इसको क्लियर डाटा करके दिखा देता हूँ, कभी आप बोलो ऑलरेडी पहले से प्रीसेट इसमें अवेलेबल है तो मैंने क्लियर डाटा कर दिया है। क्लियर डाटा करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो मैं फाइल डालने वाला हूँ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और पासवर्ड वीडियो के अंदर कहीं पे भी मिल सकता है, आराम से वीडियो को देखना बिना स्किप करे। तो आज मैं अपना ZRC पर ओपन कर लेता हूँ, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से, वैसे तो आप जानते होंगे अगर प्रीसेट यूज करते हो तो आपको पता होगा ऑलरेडी, लेकिन मैं बता देता हूँ फॉर्मेलिटी बनती है वीडियो के अंदर बताने के लिए। तो आपको क्या करना, अपनी जो फाइल है वो आपको चेक कर लेनी है, अपनी फाइल कहाँ पे रखी हुई है, जैसा कि देख पा रहे हैं डाउनलोड फोल्डर में मेरी ये फाइल रखी हुई है, ठीक है गाइस, ये जो फाइल रखी हुई है डाउनलोड फोल्डिंग में रखी हुई है फाइल है, तो मैं इसको एक क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद दूसरे फोल्डर में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सिंपल गाइस हमने थोड़ी देर प्रेस करना, प्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉपी आ जाएगा, कॉपी कर लेना, उसके बाद अपना जो कोई फोल्डर चूज कर लेना, जैसे मैं चूज कर लेता हूँ ये जो फोल्डर दिख रहा है बैकअप का, बैकअप को चूज कर लेता हूँ, उसमें पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो चुके गाइस, अब क्या करना है इसको, इस पर थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करना, प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेट हेयर का, सॉरी लॉन्ग प्रेस नहीं करना, एक बार टैप करना, टैप करने के बाद एक्सेक्ट हेयर मिल जाएगा, इसमें क्या करना आपको पासवर्ड डाल लेना, तो पासवर्ड मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, अब पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ मैं। सिंपल गाइस मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद ओके कर देता हूँ, ओके होने के बाद ये एक्सेप्ट हो चुकी है, एक्सेप्ट होने के बाद देख सकते हैं, जैसे हम लोग मैं आपको दिखा दूँ ये फाइल एक्सेप्ट की थी मैंने, और फाइल एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसमें जो प्रीसेट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको क्या करना है, इन सारे 200 प्रीसेटों को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मल्टी सिलेक्ट, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको इस पर डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट ऑप्शन करने के बाद इसमें से कुछ अपना जो हटा देना है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ जो डॉट दिख रहे हैं ये 8 या 9 डॉट दिख रहे हैं, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कॉपी हो चुके गाइस। कॉफ़ी होने के बाद अपना जो एंड्रॉइड का ऑप्शन है उसमें चले जाना, और एंड्रॉइड में चले जाता हूँ मैं, डाटा में चले जाता हूँ, डाटा में जाने के बाद लाइट रूम में चले जाता हूँ, फाइल में चले जाता हूँ, फाइल में जाने के बाद क्या हो रहा है, अभी मैंने लाइट रूम ओपन नहीं किया, तो एक बार मैं लाइट रूम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्लियर डाटा किया था, तो मैं लाइट रूम ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसमें अलाउ कर देता हूँ जो भी परमिशन मांग रहा है, तो उसमें कोई फोटो मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं ये फोटो ऐड कर दी, ऐड करने के बाद उसमें जो फोल्डर है वो बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अब ये फोल्डर बन जाएगा, जैसे फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद कोर्स डॉक्यूमेंट बन चुके हैं सारे फोल्डर इसके अंदर, तो प्रोफाइल में जाते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं दोबारा कैसे में जाना है, तो जैसे आप एंड्रॉइड ऑप्शन खोलोगे लाइट रूम वाला, लाइट रूम जाओगे, फाइल में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, 0000 ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोफाइल में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, इस यूज़र स्टाइल में जाओगे, यूज़र स्टाइल में जाने के बाद आपको इधर एक index.dat के नाम से मिलेगा, इसमें कॉपी कर देना है। तो गाइस सिंपल हमारी कॉपी हो रही है, इतने वीडियो में पॉज कर देता हूँ। सिंपल गाइस जो हमारी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद कॉपी हो चुकी है, अब उसमें मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फ़ोन कॉल, ठीक है, फ़ोन क्लोन, ये हमारा गलती से कॉपी हो गया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद नीचे एक है फोल्डर, जो भी उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है, होने के बाद जो फाइल जिप फाइल है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अपने जो लाइट रूम है उस लाइट रूम के अंदर चलते हैं गाइस। सिंपल गाइस मैंने लाइट रूम ओपन कर लिया है, आपको लाइट रूम ओपन कर लेना है, देख सकते हैं कुछ रेड डॉट दिखा रहा है, आपको समझ सकते हैं कुछ ऐड हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने लाइट रूम ओपन कर लिया, लाइट रूम ओपन करने के बाद ऑल फोटो में जाना, जो भी फोटो तुमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्किप कर देते हैं, स्किप करने के बाद प्रीसेट में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाने के बाद आप देख सकते हैं 208 प्लस प्रीसेट हो चुके हैं, 200 प्लस प्रीसेट मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीसेट कैसे कैसे ऑलमोस्ट मस्त प्रीसेट एकदम, तुम आराम से फोटो एडिट कर सकते हो, 101 प्रोफेशनल फोटो एडिट कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं प्रीसेट काफ़ी अच्छे प्रीसेट है, और जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया ऐसे ऐसे सेम आपको फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपकी जो फाइल है एग्जिट हो जाएगी, और एग्जिट होने के बाद रन भी हो जाएगी। तो गाइस जो मैंने सारा कुछ बता दिया, ऑलमोस्ट आपको पासवर्ड मिल गया होगा।
सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना, आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दिख रहा होगा उसे प्रेस करके घंटी के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाले फ्यूचर टाइम में हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन समय पहले मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।